हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं मथुरा एंड वृंदावन। सो ये व्लॉग उसी का होने वाला है, तो आप लास्ट तक देखना। मैंने एक एक चीज़ कैप्चर की हुई है रास्ते और वहाँ पे सारे मंदिर डिटेल में मैंने कैप्चर किया हुआ है। और एक दो जगह जहाँ पे अलाउड नहीं था तो वहाँ से तो मैं नहीं कर सकती थी। फिर रास्ते में रुक करके ही हमने ब्रेकफास्ट किया था और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, पैक करके हम लेके गए थे, क्योंकि सुबह सुबह हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहते थे। और ये जो प्लेस है वो एक्सप्रेसवे पे है। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा प्लेस का नाम, मैं मुझे याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बुगू यहाँ मंकी को देख करके खुश हो रहा था। यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ थे, आप देख सकते हो जैसे जंप कर रहे गाड़ी के ऊपर ही। और ये वाला छोटा बेबी था मंकी का, तो उसे भूख लगी हुई थी तो मैंने उसे बिस्किट दे दिया था, तो बिस्किट खा रहा था। फिर हमने चाय पी और आगे के लिए निकल गए थे। बुग्गू वहाँ पीछे बैठा हुआ था अपने नाना जी के साथ। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं मथुरा एंड देन फिर हम गए थे वृंदावन। और बार बार मैं मथुरा को मेरठ बोल जाती हूँ, अगर आगे की वॉइस ओवर में कहीं आपको मथुरा की जगह मेरठ मिले तो समझ जाना। साइड में आपको पार्किंग मिल जाती है मंदिर के। सो हमने गाइड लिया था, तो वीडियो में गाइड जो है हमारे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज की डेट में भी कई हजार गाय बात करती हैं यहाँ पे जी। नीचे नीचे भी है? हाँ, नीचे पूरा ये गौशाला है। अच्छा, ऐसे ही चार गौशाला भगवान की जो मेन गौशाला थी वो इनके घर के अंदर। आज की डेट में भी गोकुल में गाय का बाजार नहीं लगता है। गोकुल हम आप लोग साउथ में बोलते हैं, इसका शुद्ध नाम है गौकुल। गौकुल माने गायों का कुल, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने गौलोक से लाके बताया। अपना जूता चप्पल यहाँ उतारने का एक धर्म, उस पर टंकी पर यमुना जा रहे हैं, हाथ धोने का बहुत ही सामान है। तो 33 कोटि देवता दर्शन के लिए घर आए। माँ यशोदा ने नंबर बाई नंबर बाकी सबको दर्शन कराया, पर शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि सभी लोग आए थे रूप बदल कर। शंकर जी जो आए वो अपने असली रूप में, गले में मुंडों की माला, सर्प लिपटे हुए, शमशान की भोंगी सभी से लगी, शेर की नक्षरा लपेटे हुए डमरू लेके चले आए। तो माता यशोदा कहने लगी कि महाराज आपका इतना भयंकर रूप है कि मैं 60 साल की बुढ़िया हूँ, आपको देख के मुझे डर लग रहा है। मेरा लाला छोटा सा है, गोपाल मेरा छोटा सा है, डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी यहाँ पर 3 दिन और 3 रात्रि बैठे। हम आप लोग ना नहीं बैठ सकते, दो पांच मिनट बैठते हैं, शंकर जैसी तपस्या का फल प्राप्त होगा। इसके अलावा यहाँ के बारे में जो भी चीज़ है मैं लास्ट आपको यहाँ तक बता सकता हूँ। इस गेट के अंदर किसी भी गाइड को, किसी भी पंडा को बोलने का राइट नहीं। अच्छा, ऐसे हिमालय के ऊपर आप जाओगे बद्रीनाथ केदारनाथ, जहाँ भगवान ने नरसिंह अर्जुन को लेकर तपस्या की, वहाँ कच्ची चने की दाल, 5 तरह की मेवा, तुलसी, श्रद्धा से सोना, ये भोग लगता है। और यहाँ जो बैठे हो, यहाँ तो भगवान ने लूटा है और छीना है। कहते हैं लूट लूट दद माखन खायो, माखन चोर नाम कहायो, खाड़ी रहड़ी गुजरी दैजा मेरो दान, तनक दही के कारण छोड़ो बैकुंठा। गोकुल के थोड़े दही माखन के लिए मैं बैकुंठ को छोड़ गया है, भगवान को माखन में सी का रुकता था। कृष्ण वालों ने बंद कर दिया तो लोग कहने लगे आने से फायदा क्या हुआ, ना कोई भोग, ना कोई प्रसाद, ना कोई पूजा। तो आज की डेट में 5,500 मंदिर दूर से दर्शन, एक जगह यहाँ भगवान को भोग है। अच्छा। भोग लगाओगे तो उसका नियम है, किलो आधा किलो पाव, किलो का जो भोग है थोड़ा कड़वा है, पर वो हमारे जो किलो का भोग लगाते हैं संस्था के ट्रस्ट के ऑनलाइन मेंबर जाते हैं। किलो का जो भोग लगाएंगे उसमें आपके माता पिता, आपके पत्नी के माता पिता, दोनों परिवारों के नाम से गोदान होता है, पूरे परिवार के नाम से भोग चलता है, ऐसी बड़ी सलामे नाम आता है। वो जीवन के कबार की कमाई में से आपको एक बार देना है। आधा किलो का लगाओगे, आधा किलो के भोग में आपके माता पिता के नाम से गोदान होगा, आपके नाम से, बच्चों के नाम से, सबके नाम से 11 साल भोग चलेगा। उसके बाद में छोटी सलामे नाम है, उसके बाद में बंद हो जाएगा। साधु ब्राह्मण आते हैं, गरीब लोग आते हैं कि ठाकुर जी ने एक पाव खाने का दिया, एक पाव का भोग ऐसा है जो एक साल के बाद में बंद हो जाता है। आने में, जाने में, खाने में, पीने में, मार्ग में कोई कमी नहीं आए, एक जगह भोग है, बाकी का सभी जगह दर्शन। मंदिर के अंदर चलेंगे, 2 कदम घुटनों चलने का और बैठ के दर्शन। Thank you.
लो बेटा, जय कर लो, जय कर लो, तुम भी इसको भी करा दो, जय कर बेटा। चढ़ा लीजिए बाबा, कोई बात नहीं, एक नहीं है उसको छोड़िए, चढ़ाइए आप। लाओ मानो, चलते रहिए। हमने अंदर कृष्ण जी को झूला झूलाया और हमने रिकॉर्ड किया था ये क्लिप, जैसे हम तीन लोग हैं तो तीनों ने झूलाया था, पर एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं कैसे। और फिर हमें मंदिर की परिक्रमा करनी थी तीन, ये लास्ट वाली परिक्रमा है, दो परिक्रमा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी और फिर हम चले आए वृंदावन, और ये पार्किंग एरिया की है, ये प्रेम मंदिर के पास में आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाती है अपोजिट साइड में, बस 10 कदम की दूरी पर ही है प्रेम मंदिर। और एक साइड आपको इस्कॉन टेम्पल मिलता है और अपोजिट साइड में आपको प्रेम मंदिर। सो हमने यहाँ पे पार्किंग की हुई थी, काफ़ी देर लग गए थे हमें सारी जगह पे जाने में। यहाँ ये इस क्लिप है इस्कॉन टेम्पल की, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे सारे लोग भजन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पे, और खुद से गा रहे थे, खुद से डांस कर रहे थे, वो बजा भी रहे थे सारे इक्विपमेंट्स खुद से। वो सारी वीडियोस मैं शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फिर हम यहाँ इस्कॉन टेम्पल से निकल कर जा रहे थे प्रेम मंदिर, और हमने रिक्शा लिया हुआ था प्रेम मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और ये इतना खूबसूरत बनाया है ना वहाँ पे, आप देख सकते हो सारा ऐसे स्टैचू बनाए हुए थे सारे गोपियों के, कान्हा जी के, फिर आप देख सकते हो शेषनाग है। और यहाँ पे लाइटिंग शो भी होता है, तो एक्चुअली हम शो उतना देख नहीं पाए, लास्ट में थोड़ा सा हमने देखा था, तो वो मैंने क्लिप डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो, एंड तक बने रहना वीडियो में। और ये जो लाइट्स का जो शो होता है ना, वो मुझे अक्षरधाम में जो होता है वो सबसे बेस्ट लगा है अभी तक मैंने जितने भी देखे हैं। यहाँ का भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन अक्षरधाम वाला ज़्यादा बेटर लगा मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ा पार्क जैसा बनाया हुआ है और बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पे, फाउंटेन था। और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टैचूज मिलेंगे देखने को।
जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स की वजह से मंदिर का कलर चेंज हो जाता है, ये पूरे रेड येलो कलर ग्रीन कलर में हो जाता है। और ये देखो यहाँ पे हो रही है लाइट शो, आप देख सकते हो ऐसे होती है। वहाँ पे पीछे से स्टोरी चलाते हैं। जो ओरिजिनल आवाज़ है वो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बैकग्राउंड से इतनी ज़्यादा हूटिंग की आवाज़ आ रही थी, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो आप लोगों तक वो स्टोरी अब नहीं पहुंच पाती, इस वजह से मैंने इसे म्यूट कर दिया है। ये शो हमने थोड़ा ही देखा, उसके बाद हम चले आए घर की ओर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।